अजवा पिज्जा, लार्ज अजवा पिज्जा। अल्फाबेट की स्पेलिंग क्या है? डी अल्फाबेट। कुछ करीब पहुंच चुकी हैं आप। जी बिल्कुल। अरे थोड़ा सा ही रह गया फर्क, बस ज्यादा नहीं है। 11? तोड़ तो सकते हैं पर वापस जोड़ नहीं सकते भाई साहब। दिल जीत लिया आपने भाईजान, आपने दो पिज्जे रह गए। ओह माय गॉड, तीनों लाइनें फुल जनाब। आखिरी लार्ज पिज्जा बस ऊपर ही पड़ा, किसी ने उठाना है। बिल्कुल कॉल आ गई उठाने वाले की लगता है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान सैयद समी, आपके अपने प्रोग्राम एक्सप्लोर विद समी के साथ। आप मुझे सुन सकते हैं 100.7 FM रेडियो पर। सामईन इकराम, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र अदा करने के बाद सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम के बाद जिस तरह आप सब दोस्तों ने मेरी पज़ीराई की, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बेशुमार मैसेजेस मिले और लोगों ने मेरे काम को पसंद किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी रहनुमाई की, आपके कमेंट्स की, आपके मैसेजेस की और आपके फीडबैक का हमेशा मुंतज़िर रहूँगा। और यहाँ पे मैं ये भी मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ कि जमील बाजवा साहब जो कि हमारे को होस्ट हैं, मंडे और वेनसडे को रात को 10 से 12 बजे प्रोग्राम भी करते हैं, उन्होंने मेरी इस सिलसिले में बहुत रहनुमाई की। और उन तमाम अफराद का जिन्होंने मेरे काम को सराहा, आप सब अफराद का बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो ख़वातीन और हज़रात, आप इस वक्त मौजूद हैं एक्सप्लोर विद समी में सैयद समी के साथ और आप हमें सुन सकते हैं इस वक्त 100.7 FM टोरंटो पर। तो चलिए अब हम आपको सबसे पहले अपना स्टूडियो का नंबर देते हैं, 416-870-1007। ख़वातीन और हज़रात अपने फ़ोनों को अपने हाथ में पकड़ लीजिए और डायल कीजिए 416-870-1007। मैं इस वक्त आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ और मेरा पहला सवाल फ्री पिज़्ज़ा के लिए, इस सवाल का जवाब जो मुझे देगा उसको फ्री लार्ज पिज़्ज़ा अजवा पिज़्ज़ा की तरफ से मिलेगा। तो पहला सवाल है, एक अंडा 2 मिनट में बॉयल होता है जी, एक अंडा 2 मिनट में बॉयल होता है तो 5 अंडे कितनी देर में बॉयल होंगे? यार ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। तो नंबर मैं एक दफ़ा दोबारा आपके सामने रिपीट कर देता हूँ, 416-870-1007। हमारे साथ हमारे पहले कॉलर मौजूद हैं। एक अंडा 2 मिनट में बॉयल होता है, 5 अंडे कितनी देर में बॉयल होंगे? जस्ट होल्ड ऑन। हेलो हेलो, जी, फाइनली रब्ता बहाल हो गया। वेरी सॉरी। जी तो क्या जवाब था आपका, एक अंडा 2 मिनट में 5 अंडे? बिल्कुल आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, 5 अंडे 2 मिनट में ही होंगे। और आपने अभी होल्ड पे रहना है, आपने अभी अपनी लाइन को कट नहीं करना है, हम आपको अभी कोड लिखवाने लगे हैं, ठीक है? अजवा पिज़्ज़ा 25 ओवरली बुलीवर्ड के ऊपर आपके लिए ला रहा है फ्री पिज़्ज़ा। मेरा दूसरा सवाल है, व्हाट्स समथिंग दैट ऑलवेज वांट्स एन आंसर बट डजंट हैव अ क्वेश्चन? वो कौन सी चीज़ है जिसको हर वक्त जवाब चाहिए होता है लेकिन उसका कोई सवाल नहीं होता, उसके पास कोई सवाल नहीं होता? 416-870-1007 आप मुझे कॉल कर सकते हैं और अपना इस जवाब आसान से सवाल का, वो कौन सी चीज़ है हर बंदे के पास होती है, किसी के पास तो दो दो भी होते हैं, इत्तफाक ऐसा है, व्हाट समथिंग दैट ऑलवेज वांट्स एन आंसर बट डजंट हैव अ क्वेश्चन? ख़वातीन और हज़रात वो कौन सी ऐसी चीज़ है, किसी को पिज़्ज़ा नहीं चाहिए, किसी को आवाज़ आ रही है, है कोई इस पिज़्ज़े को लार्ज पिज़्ज़े को लेने वाला? और हमारे सामने जस्ट होल्ड ऑन। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज़ आ गई। जी जनाब कुछ जवाब देना चाहेंगे? जी उसका आंसर था फोन। अरे वाह वाह, कौन सा बोल रहे हैं?
उबैद साहब, आपने अजवा पिज्जा की तरफ से, अजवा पिज्जा 25 ओवरली बुलेवार्ड की तरफ से एक लार्ज पिज्जा जीत लिया। आपने होल्ड पे रहना है, मेरे साथी आपको अभी इसका कोड लिखवाएंगे, प्लीज उस कोड को जाके रिडीम कीजिएगा और अपना लार्ज पिज्जा एनी टॉपिंग एनी फ्लेवर को जरूर इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया पाजी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हाउ मैनी लेटर्स इन द अल्फाबेट? ओ यार ये तो बड़ा ही आसान सवाल है। है कोई अजवा पिज्जा 25 ओवरली बुलेवार्ड का लार्ज पिज्जा लेने के लिए यहां पर मौजूद? हाउ मैनी लेटर्स इन द अल्फाबेट? आप मुझे फोन कर सकते हैं 416-870-1007 पे। और हमारे सामने कॉलर मौजूद है, तीन पिज्जे रह गए हैं। जी हेलो। हेलो जी, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? अनफॉर्चुनेटली ये जवाब दुरुस्त नहीं है। मैं आपसे ये सवाल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हाउ मैनी लेटर्स इन द अल्फाबेट? थोड़ा करीब हो चुका है, ट्रिकी सा सवाल है। हाउ मैनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेट? अजवा पिज्जा, लार्ज अजवा पिज्जा। अल्फाबेट की स्पेलिंग क्या है? कुछ इन द अल्फाबेट। How many letters in the alphabet? In the alphabet. कुछ करीब पहुंच चुकी हैं आप। जी बिल्कुल। ten. अरे थोड़ा सा ही रह गया फर्क, बस ज्यादा नहीं है। इलेवन लेटर्स अजवा पिज्जा का लार्ज पिज्जा आपके लिए। अजवा पिज्जा का लार्ज पिज्जा 25 ओवर। अगर आप मुझसे रेकमेंडेशन ले जाएंगे तो लाहौरी पिज्जा जरूर ट्राई कीजिएगा। यस 11 लेटर्स दी अल्फाबेट THE 1 2 3 अल्फाबेट 8। ओके होल्ड पे रहिएगा, होल्ड पे रहिएगा, आपको भी कोड लिखवा देते हैं। अरे वाह ये तो कमाल हो गया जी। तो तीन पिज्जे जा चुके हैं और दो पिज्जे रह गए हैं। भाई साहब ख्वातीनों हजरात आपके पास इस वक्त दो लार्ज पिज्जे अभी भी जीतने का मौका है। अगर आप दूर हैं फिर भी कॉल कीजिए, अपने किसी दोस्त यार भांजे भतीजे को गिफ्ट कीजिए जो यहाँ आके आपके दूर होने की वजह से के बावजूद यहाँ पे आके पिज्जे को इंजॉय कर सकता है। अगला सवाल स्टूडियो का नंबर नोट कीजिएगा 416-870-1007 416-870-1007। सवाल आपकी खिदमत में पेश है, व्हाट समथिंग यू कैन ब्रेक बट कांट पुट बैक कैन नॉट पुट बैक टुगेदर? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप तोड़ तो सकते हैं वापस नहीं रख सकते? ख्वातीनों हजरात दो पिज़्ज़े रह गए। ओह माय गॉड तीनों लाइनें फुल। जनाब हेलो। हेलो जी जनाब। सर आंसर है दिल। अरे दिल तो जुड़ जाता है थोड़ी बहुत मेहनत करके। ग्लास जी, ग्लास। ग्लास भी वापस नहीं हो सकता, करीब करीब है वैसे थोड़ा सा। अगर आप और हिसाब किताब करें तो व्हाट समथिंग यू कैन ब्रेक बट कांट पुट इट बैक टुगेदर? आईना भी ठीक है लेकिन कुछ करीब है भाई साहब, अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो हो सकता है। आपने वैसे जो जवाब दिए ये भी सेंस कर रहे हैं वैसे और आप कर लेते हैं। ये जो चीज है ना, ये आप दूसरे के साथ कोई करते रहते हैं, हर दूसरे चौथे दिन किसी के साथ बंदा करता ही रहता है। जी तो बढ़ते हैं अगले कॉलर की जा रहे हैं। भाई साहब के पास मेरा ख्याल इसका इस भी जवाब नहीं है। हेलो जी, तो इसका जवाब अभी तो ना आया। ख्वातीनों हजरात एक दफा फिर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, व्हाट समथिंग यू कैन ब्रेक बट कांट पुट बैक टुगेदर? आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर दूसरे चौथे बंदे के साथ ये मामला करते ही रहते हैं। ये जो और कॉलर आ गया। हेलो हाय सर, रेडियो को अरे वाह सर, रेडियो की आवाज जरा कम कीजिएगा सर। आपका नाम? रहमान।
अब्दुल रहमान, रहमान साहब आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। वादा प्रॉमिस तोड़ तो सकते हैं पर वापस जोड़ नहीं सकते भाई साहब। दिल जीत लिया आपने भाईजान। आपने आपने होल्ड पे रहना है, आपको अभी कोड लिखवा रहे हैं भाई हमारे, ठीक है। हेलो जी, वालेकुम अस्सलाम सर। आखिरी सवाल रह गया, ये मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। इफ देर आर 8 ऑरेंजेस इन अ बैग, अगर एक बैग में 8 ऑरेंज हैं एंड यू टेक 2, हाउ मेनी यू हैव? अरे भाई क्या कर दिया, जुल्म कर दिया भाई जान। जवाब ठीक नहीं है वैसे, ये नहीं, क्यों, आँख में से दो निकल जाए तो ठीक होगा ना। चले आप जरा रेडियो भी रहिएगा, मैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ता हूँ और आपको दुरुस्त जवाब भी बताता हूँ भाईजान। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। अच्छा जी, और हमारे पास इस वक्त नेक्स्ट कॉलर चला गया। खवातीन हज़रात, सवाल आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर है। 4168701007, अजवा पिज़्ज़ा का लार्ज, आखिरी लार्ज पिज़्ज़ा बस ऊपर ही पड़ा, किसी ने उठाना है, बिल्कुल कॉल आ गई उठाने वाले की लगता है। एंड यू टेक 2 बैक, हाउ मेनी यू हैव? जवाब ठीक नहीं है, रेडियो ते ही रहना, सही जवाब रेडियो ते ही दसूंगा मैं। चलो जी ठीक है। हेलो, और हमारा नेक्स्ट कॉलर कट हो, ओ एक और कॉलर। हेलो जी, रेडियो की आवाज कम कीजिएगा प्लीज। आप रेडियो की आवाज, जी आप मुझे सुन सकती हैं? If there are 8 oranges in the bag and you take 2 back, how many you have? Sorry? 8. नहीं ना, ये वाला ठीक नहीं है जवाब। 16. Now, if there are 8 oranges in a bag and you take 2 back, how many you have? No, I'm so sorry. Going to next caller. 16. Hello. Hello. जी भाई साहब, there are 8 oranges in the bag. You take 2 back. How many you have? दो ही रहेंगे ना। अरे छा गए भाईजान। नाम क्या आपका? उमर। उमर भाई बिल्कुल आपका जवाब दुरुस्त है। यू टेक 2 बैग, आपने 2 ले लिए तो आपके पास कितने, तो आपके पास 2 ही तो होंगे। तो वो तमाम खवातीनों हजरात जो मुझे जवाब दे रहे थे 6, 16, द करेक्ट आंसर इज 2। उमर भाई आपने लाइन पे रहना है, अभी भाई साहब आपको कोड लिखवाएंगे, वो कोड अजवा पिज्जा पे जा गए, आपने सिर्फ कोड बताना है और कोई भी लार्ज पिज्जा ऑर्डर कर देना। थैंक यू वेरी मच। पिज्जा किसी और से दे दे। अरे आप, नहीं नहीं पिज्जा तो भाईजान आप, मुझे सिर्फ जवाब ही देना था। अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, किसी बच्चे को गिफ्ट कर दीजिएगा, किसी को दूर को, कोई नहीं, आप बच्चे भी खुश हो जाएंगे ना, ये भाई आपको लिखवा रहे हैं जनाब। सही है जी। तो ख्वातीनों हजरात, 5 अजवा पिज़्ज़ा के पिज़्ज़े जाते रहे। बहुत 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 शुक्रिया आपके रिस्पॉन्स का, और उम्मीद है आपको ये सेगमेंट पसंद भी आया होगा। ख्वातीनों हजरात, आपसे पिछले हफ्ते मैंने जिक्र किया था हमारे चैनल यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद समी का, एक ऐसा लड़का 21 साल उम्र पाकिस्तान से कनाडा आया, उसको एडमिशन मिला विनीपैग के अंदर। अब वो यहाँ पे किसी को नहीं जानता था और मेरे एक दोस्त का आगे वाकिफ कर निकला। हम 4 दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया और हमने टिकट कटाई टोरंटो से। वो टोरंटो आया नौजवान, उसको टोरंटो से हम लेके गए विनीपैग, और विनीपैग ले जाके हमने उसको कैसे एडजस्ट कराया और कैसे उसको कमरा लिया और तमाम चीज़ अरेंज करके दी। इस तमाम मामले की रुदाद आप मेरे चैनल एक्सप्लोर विद समी के ऊपर देख सकते हैं। एक्सप्लोर विद समी यूट्यूब पे लिखिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और देखिए कि हमने उस नौजवान की किस तरह से मदद की। और नाज़रीन प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हम लेंगे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, और उसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तानी सियासत की, आपके सवालात भी लेंगे। सवाल आपकी खिदमत में छोड़े जाता हूँ। हमारा आज का सवाल जो पाकिस्तानी सियासत से मुतल्लिक होगा वो ये है कि पाकिस्तान का आपकी राय के मुताबिक इस वक्त हकीकी मसला क्या है? सैलाब, नंबर 2 महंगाई, या नंबर 3 आर्मी चीफ की तकरारी?
तो ख्वातीन हज़रात, आपको आपको दावत देता हूँ अपने ख्यालात का इजहार करने के लिए, इस आपसे मिलते हैं इस छोटे से शॉर्ट ब्रेक के बाद। अगर आप अपने कारोबार को सोशल मीडिया के जरिए फैलाना चाहते हैं